जब एक इंसान किसी चीज़ की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये प्रश्न होता है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन कब तक करूँगा, आखिर हिम्मत मेरी क्यों टूट जा रही है। पहले दिन जब मैंने स्टार्ट करा था उस वक्त जो एनर्जी थी वो अभी क्यों नहीं है, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तो चार्ज अप हो जाता हूँ और मोटिवेशन खत्म होते ही पहले वाली एनर्जी क्यों नहीं रहती, मैं अपने हिम्मत को लॉन्ग टर्म तक कैसे बरकरार रखूँ। इन सारी बातों का सोल्यूशन इस वीडियो में आप जानोगे। बस वही बात, आपके अंदर हिम्मत वाली पेशेंस होनी चाहिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की। सबसे पहले बात करते हैं कि हिम्मत क्यों टूटने लगता है और इसे कैसे बरकरार रखें। हिम्मत टूटने का दो मेन रीजन है। पहला, आपको सक्सेस तत्काल चाहिए। जैसे मान लो आपने किसी काम को स्टार्ट करा पूरे जोश में, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इतने दिन में सफल हो जाऊँगा, फिर मुझे ये मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा उम्मीदें हम पाल लेते हैं और वो भी जल्दी। फिर इसका रिजल्ट यही होता है कि जब हम उस काम को दो चार महीने करते हैं और कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो हमें लगने लगता है कि शायद ये काम बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए, या फिर हमारे अंदर ही कोई कमी है, इसी कारण मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। और फिर आपकी काम करने की इच्छा कम होने लगती है, आप खुद पर डाउट करने लगते हो और यही डाउट आपको कहता है छोड़ो यार, इसमें कुछ नहीं रखा, कोई नया चीज़ ट्राई करते हैं। इसी तरह आपका हिम्मत डाउन होने लगता है और आप या तो उस काम को बिना मन के करते हो या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ देते हो। ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है हिम्मत डाउन होने का कि आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो कि मुझे ये मंजिल मिल जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, अगर इतने दिन में सफलता नहीं मिली तो सब खत्म। मेरे दोस्त, एक चीज़ बारीकी से समझो, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, कभी सोचा है इस बारे में? कोई ला कर देता है कि ये लो हिम्मत की पोटली, इसे अपने अंदर घुसा लो, या फिर कोई कह देता है मेरे अंदर बहुत हिम्मत है थोड़ा तुम भी ले लो? ऐसा नहीं ना होता। हिम्मत आपके अंदर है और ये तभी बरकरार रहेगा जब आप चाहोगे। बट आपकी चाहत हिम्मत बरकरार रखने की नहीं, सक्सेस हासिल करने की है कि मुझे इतने दिन में सक्सेसफुल बन जाना है, ये डेस्टिनी, मुझे इस डेट को हासिल हो जाना चाहिए। और जब यही उम्मीदें थोड़ी दूर लगती है तो तुम दुखी होने लगते हो, तुम्हें लगने लगता है कि शायद ये इम्पॉसिबल है, मुझसे तो नहीं होगा, और फिर वही हिम्मत टूटने लगता है, काम करना छोड़ देते हो या फिर मन से नहीं करते। सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी पहचाननी होगी, आपके अंदर कितनी हिम्मत है ये आपको समझना होगा। अगर किसी काम को स्टार्ट कर दिए हो तो उसे सिर्फ पूरा करने के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि मुझे ये हासिल होगा, ये काम कंप्लीट होने पर ये मिलेगा, ये गलत तरीका है। इससे आपके अंदर की खुशियाँ कम होने लगेगी और जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे उस काम को करने में तो फिर आपके अंदर उत्साह कहाँ से आएगी। एक बात बताओ, जब आप किसी जिम में जाते हो या फिर कहीं किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिस पर आप आकर्षित हो जाते हो, उस समय आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है, उस काम को तो पूरे जोश में करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस वक्त इंटरेस्ट होता है और जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपके अंदर हिम्मत भी नहीं आएगा। इसलिए खुशियाँ को सफलता से मत जोड़ो कि सक्सेस मिल जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा, और जब तक खुश नहीं रहोगे तो इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे, और इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो आपका हिम्मत भी डाउन होने लगेगा। भगवद गीता कभी पढ़े हो? अगर नहीं तो कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़ना। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कभी नहीं कहा कि तुम युद्ध करोगे तो ये हासिल होगा, राज्य मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पॉपुलरिटी मिलेगी, कुछ नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अर्जुन से यही कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, इससे क्या हासिल होगा क्या नहीं इसे वक्त पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, यानी ईश्वर पर छोड़ दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ काम पर आपका ध्यान होना चाहिए। इस बात को आपको भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए, उसी में पूरी तरह से डूब जाओ चाहे आपका मन करे या न करे। और एक बात, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक बार में सफलता नहीं मिलती है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो उस वक्त ये मत सोचो कि मुझे ये चीज इतनी दिन में मिल जाएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा, चाहे मुझे सफलता मिले या न मिले, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, और एक्सपीरियंस प्राप्त करना कोई कम बात है। देखो मेरे दोस्त, हमेशा सक्सेस ही मिल जाए ऐसी कोई धारणा नहीं है, कभी कभी इंसान को त्यागना भी पड़ता है, चाहे वो इच्छाएं हो या फिर वो सक्सेस हो, कभी कभी केवल जर्नी के लिए ही इंसान आगे बढ़ता है और उसी जर्नी में जब सफलता मिल जाती है तो हमें लगने लगता है कि हाँ यही सक्सेस है। लेकिन सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता कि इस डेट को ही मिल जाएगा, इतनी तारीख को मिल जाएगा। आज जो सोशल मीडिया पर आप दिख रहे हो कि एक डेट फिक्स करो, इतनी तारीख को आपको सफलता चाहिए, क्या तुम अपने भाग्य को बनाकर आए हो या फिर इतने कर्मनिष्ठ हो गए हो कि तुम इतने दिनों में हासिल कर लोगे? ये 0.1% लोग ही कर पाते हैं। तो फिर अपने आप को छोटा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस काम को कर रहे हो उसी में पूरा मन लगाकर करो। एक वक्त ऐसा आएगा जब सफलता से आप बहुत आगे निकल गए होगे और आपका हिम्मत भी उस समय पिक लेवल पर होगा। इसलिए आज ये मत सोचो कि मेरा काम करते वक्त हिम्मत डाउन हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दो, हिम्मत टूटेगी, मन नहीं लगेगा, आज नहीं कल कर लूंगा, ऐसा ख्याल बार बार आपके अंदर आएगा,
लेकिन फिर भी अपने मन के ऊपर अपनी बुद्धि से सोचकर उसे दबाकर उस काम को आप करो जरूर, केवल काम पर ध्यान दो। जब प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो सक्सेस खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन केवल सक्सेस पर ध्यान दोगे तो प्रोसेस भी कम हो जाएगा और आपके अंदर की हिम्मत भी टूटने लगेगी। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, हिम्मत आपके अंदर बैठा हुआ है और इसे पहचानना आपका कर्तव्य है, और इस वीडियो के बाद आप उस हिम्मत को पहचानने वाले हो, अपने काम पर ध्यान देने वाले हो। और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। आपकी ज़िंदगी से बेहतर कुछ और नहीं है, खुशियों से बढ़कर सफलता नहीं है, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। खुशियाँ ज़िंदगी में हमेशा होनी चाहिए, सफलता तो एक दिन मिलेगी, लेकिन खुशियाँ हर पल में होनी चाहिए। और इस वीडियो के बाद हिम्मत के साथ खुश होकर आगे बढ़ो, सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।